नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये नज़ारा वार्ड नंबर 13 इंदिरा कॉलोनी का है। सीवर लाइन डालने के लिए सीमेंटेड रोड तोड़ा गया और शिलान्यास का ये पत्थर 17 नवंबर 2019 को गाड़ा गया। नेताओं ने इस काम का क्रेडिट भी ले लिया, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से पब्लिक नरक जैसी ज़िंदगी जीने को मजबूर है। देखिए क्या कहती है वहाँ की पब्लिक। आदरणीय पार्षद जी, आदरणीय MLA जी, आदरणीय मंत्री जी और नगर निगम के अफसर और कर्मचारी जी, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इंदिरा नगर, जो कि वार्ड नंबर 13 में आता है, फरीदाबाद में, एस्कॉर्ट मुझे सर मेट्रो स्टेशन के सामने। इसका ये कितना बुरा हाल है। 17 नवंबर 2019 को मंत्री जी ने, विधायक जी ने, पार्षद जी ने यहाँ का बहुत ही अच्छा उद्घाटन किया था कि यहाँ पे एक सीवर लाइन डलेगी और जिससे कि ये सारा गंदा पानी यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज 2 साल पूरे होने वाले हैं। ये देख लीजिए हाथ, पूरी सड़क का इंदिरा कॉलोनी है ये, और इसके सामने देखिए बिल्कुल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बच्चों के लिए बना हुआ है, और बिल्कुल इसके सामने की रोड है। 2 साल से CM विंडो पे भी कंप्लेंट लगातार डाली जा रही हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर निगम के कर्मचारी आके बोलते हैं, फ़ोन पे बोलते हैं कि आपका तो सीवर लाइन डली हुई है, आपका सारा काम कंप्लीट है, आपके यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको आंखों देखा लाइव वीडियो, जो कि अभी उसी स्थान पर खड़े होकर बनाया जा रहा है। मैं आपको दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ रोड की। ये देखिए, ये यामा कंपनी वाला रोड है और ये पूरा क्या खचाखच गंद से भरा हुआ है। यहाँ पर ना कोई आ सकता ना जा सकता, गाड़ियाँ फंस जाती हैं। सरकारी स्कूल के सामने ये देखिए, बिल्कुल बच्चों तो खैर अभी आ नहीं रहे लॉकडाउन में, लेकिन है बिल्कुल सरकारी सामने का फ्रंट का व्यू। देखिए क्या यहाँ सीवर लाइन डल चुकी है, ऐसा कोई बता सकता है? लेकिन नगर निगम के कर्मचारी फ़ोन करके बताते हैं कि यहाँ सीवर लाइन डली हुई है, सीवर लाइन चालू है, आपकी कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो क्या फ़ायदा वोट देने का। ये देखिए कौन जिम्मेदार है इसका, नगर निगम, पार्षद, विधायक, CM साहब, कोई तो होगा। किसी भी गली में CM नहीं, विधायक आ जाते हैं तो वहाँ एक मिनट में हजारों कर्मचारी आके साफ सफाई में लग जाते हैं। किसी भी रोड से मंत्री गुजरते हैं तो अब यहाँ क्या लोग नहीं रह रहे, आप खुद देख सकते हैं इस चीज़ को, क्या नज़ारा है। इतनी कंप्लेंट डालने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई सुन रहा इस बात को। ठीक है, धन्यवाद। एड्रेस फिर से बता देता हूँ, इंदिरा नगर वार्ड नंबर 13 विधानसभा 89, जहाँ के पार्षद हैं सुमन भारती, MLA हैं श्री नरेंद्र गुप्ता जी और मंत्री हैं श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और CM हैं खट्टर साहब। इन सब की देखरेख में भी अगर यही हाल है तो कोई फ़ायदा नहीं है वोट देने का इनको। देख लीजिए, धन्यवाद।